दोस्तों अगर आप सुमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज तो हो चुकी खत्म और अब दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आगाज आज से शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला व्यस्त मुकाबला खेला गया, तो आखिरकार क्या इस मुकाबले की हाईलाइट दिखाने जा रहा आपको पूरा वीडियो। लेकिन आपसे हम एक राय चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला प्रैक्टिस मुकाबला आज खेला गया, जहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद सुमन गिल के साथ ओपनिंग करने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा हमेशा की तरह मैदान पर उतरे, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी भी की। हालांकि प्रैक्टिस मुकाबला जरूर था, लेकिन जिस अंदाज से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं भारत वर्ल्ड कप 2023 में अब बेहद ही फेवरेट टीम बनकर के सामने आ रही। सुमन गिल के बल्ले से भी रन निकले, कप्तान रोहित शर्मा ने भी, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक किए। हालांकि दोनों खिलाड़ी, सुमन गिल तो आउट नहीं हुए थे लेकिन सुमन गिल रिटायर हो गए थे, उनको चोट भी कोई नहीं लगी थी। हालांकि प्रैक्टिस मुकाबला है, यहां पर ऐसा होता है। तो फिर सुमन गिल के रिटायर होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में 87 रनों की शानदार इनिंग खेली, 3 चौके और 6 छक्के उनकी इस पारी में शामिल रहे। रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में शतक लगाया। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको एक बार फिर बता दूं कि अभ्यास मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि आज खेला गया, लेकिन अभ्यास मुकाबला जरूर है, लेकिन हमको इस मुकाबले से अंदाज लग सकता है कि भारत किस प्रकार की बल्लेबाजी करने वाला है आने वाले कुछ मुकाबलों में, क्योंकि भारत को हर एक टीम से मुकाबला खेलना है इस वर्ल्ड कप 2023 में। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के पहले अभ्यास मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया था फैसला और भारत ने पाकिस्तान के सामने इस पहले उड़े मुकाबले में 309 रनों का एक बड़ा स्कोर दिया था पाकिस्तान की टीम को चेस करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तो आप जानते हो बल्लेबाजी किस प्रकार की, अगर पाकिस्तान के शुरुआती में ही 1-2 विकेट गिर जाए तो पाकिस्तान के बस की बात रहती नहीं फिर, और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज आउट होता चला गया और इस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को इस पहले अभ्यास मुकाबले में हरा डाला। इस प्रकार से रहा भारत और पाकिस्तान के बीच का पहला ये अभ्यास मुकाबला। लेकिन अब भारत और इंग्लैंड के बीच जो खेले जाने वाला अभ्यास मुकाबला, वो कौन सी टीम जीतेगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।